नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उपन्यास एवं कहानी विधाओं में अंतर पर जानकारी साझा करूंगा। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने हिंदी गद्य की दो प्रमुख विधाएं उपन्यास और कहानी विधा पर जानकारी साझा किया था तथा इन दोनों के अर्थ, परिभाषाएँ और तत्वों पर प्रकाश डाला था। अब उपन्यास और कहानी में क्या क्या अंतर है यह समझ लेना अति आवश्यक है और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने विषय की। दोस्तों, मैं उपन्यास और कहानी के विषय में दोबारा बताकर आपका कीमती समय नष्ट नहीं करूंगा, बल्कि सीधे उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है यह बताना प्रारंभ करता हूँ। दोस्तों, जब हम उपन्यास और कहानी के तत्वों को देखते हैं तो दोनों छह के छह तत्व समान हैं, फिर भी दोनों के स्वरूप में पर्याप्त अंतर है। तो आइए अब एक एक कर इन अंतरों को समझते हैं। सबसे पहले हम दोनों विधाओं के तत्वों के आधार पर अंतर को समझते हैं। तो पहला तत्व है कथानक या कथा वस्तु। दोस्तों, जहां उपन्यास के कथानक में संपूर्ण जीवन को दर्शाया जाता है, वहीं कहानी के कथानक में पात्रों के जीवन के किसी एक पक्ष, दृश्य या घटना को दर्शाया जाता है। अतः उपन्यास जहां सुंदर घटनाओं का समुच्चय दिखाई पड़ता है, वहीं कहानी के कथानक में एक ही घटना को सामने रखा जाता है। इस तरह से जहां उपन्यास में कई कथाएं साथ चलती है, वहीं कहानी में यह संभव नहीं है। इसके साथ साथ दोनों विधाओं के कथानक के विकास में भी अंतर पाया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से उपन्यास में कथानक का क्रम से विकास होता है, वह कहानी में संभव नहीं है। दोस्तों, दोनों विधाओं का जो दूसरा अंतर है वह है पात्र एवं चरित्र चित्रण। दोस्तों, जहां उपन्यास के विस्तृत आकार के कारण पात्रों की संख्या अधिक होती है, वहीं कहानी के लघु आकार के कारण पात्रों की संख्या सीमित होती है, कम होती है। ठीक इसी प्रकार से उपन्यास के अंतर्गत जहां किसी पात्र के संपूर्ण जीवन का चित्रण कर दिया जाता है, उसके चरित्र के उतार चढ़ाव को दिखा दिया जाता है, वहीं कहानी में किसी पात्र के चरित्र के एक ही पक्ष को चित्रित किया जाता है। दोस्तों, तीसरा तत्व है संवाद। तो उपन्यास और कहानी के संवादों में भी पर्याप्त भेद मिलता है। जहां उपन्यास के संवाद लंबे होते हैं, डायलॉग लंबे होते हैं, वहीं कहानी के लिए लंबे संवाद सही नहीं माने जाते हैं। दोस्तों, चौथा जो अंतर है वह है भाषा शैली की। तो उपन्यास के अंतर्गत हमें भाषा के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। विभिन्न घटनाओं, पात्रों की विविधता एवं भिन्नता के कारण भाषिक स्तर भी भिन्न होता है, सभी का लैंग्वेज अलग अलग होता है। वहीं कहानी में भाषा की विविधता प्रायः नहीं पाई जाती है, बल्कि भाषा की एक रूपता होती है। और जहां तक बात है शैली की, तो उपन्यास में जहां अनेक शैलियों का प्रयोग संभव है, वहीं कहानी में प्रायः एक ही शैली अपनाई जाती है। कहानी और उपन्यास में जो पांचवा अंतर है वह है देशकाल और वातावरण का। तो दोस्तों, जहां उपन्यास में देशकाल और वातावरण के चित्रण में रचनाकार स्वतंत्र होता है और विस्तार की पूरी संभावना होती है, वहीं कहानी में देशकाल और वातावरण के चित्रण में रचनाकार के हाथ बंधे होते हैं और विस्तार की संभावना भी नगण्य या सीमित होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उद्देश्य की। यह छठा अंतर है। तो दोस्तों, जहां तक उपन्यास का उद्देश्य व्यापक और बहुसूत्रीय होता है, वहीं कहानी का उद्देश्य प्रायः निश्चित और एक सूत्रीय होता है। तो दोस्तों, उपन्यास और कहानी में यह अंतर दोनों विधाओं के तत्वों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त भी दोनों विधाओं में कुछ अंतर है, जिसमें से पहला अंतर है आकार का। तो उपन्यास का आकार विस्तृत एवं विशाल होता है, वहीं कहानी का आकार लघु एवं सीमित होता है। दूसरा अंतर है गति का।
तो उपन्यास की गति धीमी होती है, यानी उसमें जो कहानी है वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, वहीं कहानी की गति तीव्र होती है और वह शीघ्र ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, यानी कहानी जल्दी समाप्त हो जाती है। तीसरा जो अंतर है वह है समय का। तो दोस्तों, उपन्यास को पढ़ने में हफ्तों और महीनों लग जाते हैं, जबकि कहानी को एक बैठक या एक दिन में भी समाप्त किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि उपन्यास को पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है, जबकि कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है। चौथा जो अंतर है वह है प्रभाव का। तो कहानी नाविक के तीर की भांति तुरंत असर करते हैं, यानी ये छोटा होता है, इसे तुरंत पढ़ सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उसका प्रभाव तुरंत दिखता है। जबकि उपन्यास का प्रभाव दीर्घकालिक होता है, उसे पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है, उसे सोचने में ज़्यादा समय लगता है, उसे समझने में ज़्यादा समय लगता है, तो इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत दिनों तक बना रहता है। दोस्तों, पांचवा जो अंतर है वह पाठकों तक पहुंचने का है। तो कहानी को कोई भी खरीद कर आसानी से पढ़ सकते हैं, समय कम लगता है, बाकी और भी अंतर है उस आधार पर लोग आसानी से खरीद कर पढ़ लेते हैं। जबकि उपन्यास प्रायः वही लोग पढ़ते हैं जिनमें गद्य पढ़ने की रुचि होती है, जो लंबी रचना पढ़ना चाहते हैं, जिस कारण से कहानी की पहुंच पाठकों तक अधिक होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।